हर हर महादेव। एक रामलाल पांडे जी का प्रश्न है जो कि बहुत ही उपयोगी है। वे कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन एकादशी व्रत करना भूल जाए तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं और उस दिन भूल से कुछ खा लिया, एकादशी व्रत न कर पाए, तो अब क्या करें, क्या प्रायश्चित करें, क्या उनकी एकादशी अब नहीं हो पाएंगी, उनके लिए क्या शास्त्र विधान करते हैं, देखिए। और इस संदर्भ में एकादशी से संबंधित और भी जानकारी आप लोग सुनेंगे जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। धर्म सिंधु के अनुसार पृष्ठ 23 पर एकादशी के बारे में जो लिखा हुआ है वहां से हम बतला रहे हैं। देखें कि प्रमादादिना एकादश्याम उपोषणा करणे द्वादश्याम अपि व्रतम कार्यम। प्रमादा, किसी भूल से, प्रमाद से, गलती से एकादश्याम उपोषण अकरणे, एकादशी में उपवास नहीं कर पाया तो द्वादश्याम अपि व्रतम कार्यम, द्वादशी में भी व्रत करना चाहिए। ध्यान देना, एकादशी में आप कुछ खा रहे हैं और आपको ध्यान नहीं रहा, आपने वो कुछ खा लिया, तो कुछ खाते आपको स्मरण आ गया तो लिखा हुआ है कि आप जो है गंडूस करें, माने कुल्ला करें और उसको खाना छोड़ दें और एकादशी जितनी बची है उस दिन तो व्रत करें। ध्यान दीजिए, उस दिन व्रत करना है। कई लोग कहते हैं आज तो खा ही लिया, अब आज खा लेते हैं, कल कर लेंगे। नहीं नहीं, उस दिन वो जितना जब स्मरण आया, जब स्मरण आया तब ही उसी तत्काल उस चीज को त्याग करके, गंडूस कुल्ला करके, भगवत स्मरण करके और द्वादश्याम अपि व्रतम कार्यम, और द्वादशी में भी व्रत करें, माने उसके बाद फिर अगले दिन भी द्वादशी में व्रत करें। और अगर द्वादशी में भी भूल जाए तो आज भी भूल गए, कल फिर भूल गए। आजकल सब लोग किसी से कुछ काम के लिए कहिए, क्यों भाई आप करके आए, भूल गए, क्यों वो चीज लेकर के आए, भूल गए। अच्छा, तो द्वादश्याम अपि अकरणे, द्वादशी में भी व्रत नहीं कर पाए दूसरे दिन भी, तो यव मध्य चांद्रायणम प्रायश्चित्तम। तो यव मध्य, दो तरीके के चांद्रायण व्रत होते हैं, यव मध्य और पिपीलिका मध्य। यव मध्य होता है जो पहले कम खाते 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 बीच में फिर ज्यादा बढ़ाते जाए, जैसे जौ होता है, जौ जवा, तो इधर पतला इधर पतला बीच में मोटा, तो एक महीने का व्रत है तो पहले एक गिलास पे दो गिलास बढ़ाते हुए हाँ, और जो है पूर्णिमा या अमावस्या आई तो उसमें 15 ग्रास हो गए, फिर उधर से घटते आए चंद्रमा की कला के अनुसार, है ना, पूर्णिमा में 15 ग्रास, फिर चतुर्दशी में 14, प्रतिपदा में 14, फिर द्वितीया में जो है 13, इस तरीके से महीने में घटते आए, तो वो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और नास्तिक्याद करणे भी, नास्तिक के, है ना, नास्तिक्याद करणे पिपीलिका मध्य चांद्रायणम। अगर जानबूझ करके कोई एकादशी छोड़ दे, पहले एकादशी व्रत करते थे लेकिन अब नहीं हमको रहना है, अरे कुछ नहीं होता, हमने देख लिया, बोले हम तो खाते हैं, और फिर होश आया कि नहीं नहीं हम तो एकादशी करते थे, हमको करना है, तो एक तो बिना जाने छोड़ दिया, एकादशी में नहीं किया, द्वादशी में भी व्रत नहीं कर पाए, है ना, तो उसको यवमध्य बतलाया। और अगर नास्तिक किया, केवल नास्तिक होकर के और वेदों की निंदा करते हुए भगवत आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अगर वो नहीं किया है, जानबूझ करके नहीं किया है, तो पिपीलिका मध्य चंद्रायण व्रत करना चाहिए, पहले ज़्यादा फिर कम 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 कम, फिर बीच में जो एक ही गिलास, फिर दो तीन तब बढ़ेगा, तो ये थोड़ा कठिन बैठता है, तो ये चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा। अब कह रहे अशक्त पतित, है ना, अगर कोई अशक्त है, देखिए अब दूसरी तरीके की बात देखिए, वो छोड़िए, यदि कोई अशक्त पति पितादि उद्देशेन स्त्री पुत्र भगिनी भ्रातादि भी एकादशी व्रता चरणे क्रतुशतजम पुण्यम।
देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि किसी का पति एकादशी व्रत करने में नहीं समर्थ है, कोई व्यक्ति एकादशी करने में समर्थ नहीं है रोग आदि के कारण, कि भाई अब इस बार एकादशी नहीं कर पाएगा, अतिवृद्धता के कारण, रोग के कारण किसी के माता पिता अब व्रत नहीं रह सकते, वृद्ध हो गए हैं, और या कोई रोग के कारण, तो ऐसे पति के लिए या माता पिता के लिए या भाई बहन के लिए कोई भी स्त्री या जो उनके पुत्र पुत्रियां अपने पिता के उद्देश्य से व्रत रहते हैं, तो फिर क्या लिखा हुआ है, एकादशी व्रताचरणे क्रतु शतजम पुण्यम, 100 यज्ञ करने का पुण्य मिलता है किसको, जो एकादशी रहेगा उसको। तो वो अपनी एकादशी, जैसे कि कोई व्यक्ति भी मैं भी एकादशी रहता हूं है ना, तो वो व्यक्ति भी रहता है और वो अपने पिता के लिए भी रहे, तो फिर दो व्रत करे क्या करे, बोले नहीं व्रत तो एक ही करना, संकल्प दो करना कि अद्य हम एकादशी व्रतम करीशिये, और जो है पिता आदि जो भी हैं तन्निमित्तकम एकादशी व्रतम च तंत्रेण करीशिये, अपने लिए और पिता के उद्देश्य से भी एकादशी का व्रत तंत्र से माने एक साथ मिलकर के करूंगा, ये संकल्प कर लेता है और वो व्रत रहता है तो दोनों को पुण्य मिलेगा और पुत्र को तो 100 यज्ञ का फल मिलेगा अगर किसी के माता पिता अशक्त हैं, क्योंकि एकादशी व्रत कई लोग कहते हैं उद्यापन करने के बाद नहीं रहना चाहिए क्या, नहीं, एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष पर्यंत नित्य व्रत है, माने हर किसी को व्रत रहना है, व्रत करना है, और लेकिन अगर वो समर्थश्चित, अगर वो समर्थ है तो 80 वर्ष के आगे भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं उस समय बंद कर दे, अगर कोई उद्यापन कर देता है 24 वर्ष बाद 35-40 वर्ष के बाद एकादशी व्रत करते करते फिर उद्यापन कर देता है तो तब भी उसको एकादशी व्रत करना है, तो संकल्प में ये बोलना पड़ता है जब उद्यापन किया जाए तो कि मेरे द्वारा जो भी व्रत किए गए हैं तथा और जो आगे मेरे द्वारा व्रत किए जाएंगे उन सभी का, ये जो किसी में अगर न्यूनातिरिक्त दोष हो वो उसका परिहार हो जाए और उन सभी किए गए और किए जाने वाले सभी व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए और इष्ट देवता की कृपा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं आज एकादशी या अमुक व्रत का उद्यापन करूंगा। ये सभी इसको संस्कृत में बोलते हैं, सब लोग समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं जो हिंदी में बतला देता हूँ, तो इसलिए हर उद्यापन में ये, हर व्रत के उद्यापन में प्रायः ये नियम है कि मेरे द्वारा किए गए और किए जाने वाले, तो एकादशी इसी तरीके से बोली जाती है, और किसी के पिता माता पति आदि असमर्थ हों तो उनके लिए उनकी पत्नी बहन भाई पुत्र आदि पुत्रियां व्रत कर सकती हैं और उनको भी बड़ा फल प्राप्त होगा। हर हर